फिल्मों में दिखाते थे, शॉर्ट स्टोरी की फिल्में जो है, जो पहले डायरेक्टर्स हुआ करते थे लाइक ऋषिकेश मुखर्जी और वासु भट्टाचार्य, पुराने पुराने लोग जो है, पहले जो फिल्में बनती थी शॉर्ट स्टोरी पे बनते थे, उनको जो है 2.5 घंटे में वो दिखाते थे और समाज को आईना दिखाने की कोशिश करते थे, अपनी संस्कृति और संस्कार और भारतीय संस्कृति को जो है ना इंटैक्ट रखते थे। लेकिन जैसे वक्त गुजरा, जैसे वक्त चलता रहा और 16 के बाद जो है, जहाँ मैं अध्यक्ष बना सेंसर बोर्ड का, उसके बाद तो मैंने कोशिश की, जो चल रहा था 2006 से लेकर 2016-15 तक, तो वो उसको किस तरह से जो है, जो अश्लील चीजें चल रही है उस पर कंट्रोल करें, जो आज यहाँ पे डॉक्टर कैश्यप जी ने भी कहा और अतुल जी ने भी कहा, तो ये चीजें जो ना बदलाव जो है ना आता रहा, उनको लगा कि हमारे यंगस्टर्स की जो डिमांड है वो यही है और उनको हम ये पड़ोस के अपने नोट कमाए, तो मुझे लगता है ये बड़ी गलत सोच थी। और अब उसके बाद जो ना जो फिल्मों में पास नहीं होने लगा, उसके बदले अल्टरनेट जो है प्लेटफॉर्म आ गया, OTT और वेब सीरीज आ गया, उन्होंने मतलब फिल्म में तो वो चीजें बंद हो गई क्योंकि वहां पे सेंसर होना पड़ता करना पड़ता है, लेकिन OTT पे वो चीज जो है परोसा जाता है। अब जो है लोगों को समझ में आ गई कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कितने इम्पोर्टेंट है इस देश में, देश में रहने के साथ में जो हम बच्चों के साथ फिल्म नहीं देख सकते, शॉर्ट फिल्म नहीं देख सकते, कोई वेब सीरीज नहीं देख सकते, तो उनका जो है मन में जो शंका थी, फिल्म में तो टिकट लेके जाना पड़ता लेकिन घर में भी उन्होंने मुफ्त में देखना भी बंद कर दिया कि ये अच्छा नहीं है इसको बंद कर दो। तो जो आप बदलाव ला सकते हैं वो फिल्म वाले बदलाव नहीं ला सकते, वो अपनी इनकम और अपनी चीजों को देखते हैं कि हम अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कैसे करें। लेकिन जो आप शॉर्ट फिल्म के जरिए आप उसके तरीके, आप जो समाज में चल रहा है छोटी से छोटी चीज उसको एलिब्रेट करके आप शॉर्ट फिल्म जो है 10 मिनट की भी बना सकते हो, 5 मिनट की भी बना सकते हो, 40 मिनट की भी बना सकते हो। उसके लिए कोई पहले साधन नहीं था कि कैसे दिखाया जाए। अब तो मैं ये धन्यवाद करूंगा मध्य प्रदेश और ये अपना चित्र भारती फेस्टिवल को, जो इन्होंने मध्य प्रदेश में जो है ये चौथा प्रोग्राम कर रहे हैं और ग्वालियर में कर रहे हैं। ग्वालियर में टैलेंट की बहुत ही बहुत ज्यादा, बॉम्बे में भी जो है ग्वालियर से बहुत से लोग हैं, लेकिन क्या उनको स्ट्रगल करना पड़ता है? सबको पहले बड़े पर्दे पे जाना है, बड़े पर्दे पे जाना है, इसलिए वो अपनी विचारधारा जो है वहां रख नहीं पाते, जो काम मिलता है अपने जीने का साधन समझ के वो काम कर लेते हैं। लेकिन आज आपके पास मौका है, इस मौके को जाने मत दीजिए। जितने स्टूडेंट्स है आज तो स्कूल और कॉलेजेस में भी जो ये क्लासेस चालू हो गए, मीडिया क्लासेस चालू हो गई है, वहां भी एडमिशन हो गई है, चाहे आप वहां जाए ना जाए, लेकिन आपकी सोच जो है क्लियर होना चाहिए, आपको क्या चाहिए। एक छोटी सी छोटी चीज के ऊपर जो ना, जो आप रस्ते पे देखते हो किस तरह से अन्याय हो रहा है, किस तरह से लोग जो ना किस तरह से बिहेव करते हैं, माताओं से, बहनों से पानी वेस्ट कर रहे हैं, गैस लीक हो रही है, कैसे लोग मर रहे हैं, आप बहुत सारे सब्जेक्ट है, जितने इंसान है, जितने शहर के कॉर्नर्स है, वहां पे अलग अलग स्टोरी मिलती है। आप किसको पिकअप कीजिए, शॉर्ट फिल्म बनाइए। आज तो आपके पास ऑस्कर जाने के लिए भी जगह है, शॉर्ट फिल्म को, मराठी फिल्म को ऑस्कर मिला है, तो आपके पास टैलेंट क्यों नहीं है? आपके पास टैलेंट है, वो खुश नसीब है जिनको इस फेस्टिवल में जो है जगह मिली है, एंट्री मिली है। पहली तो फर्स्ट स्टेप जहां एंट्री मिलती है, सबसे बड़ा वो नसीबदार है, उसकी मेहनत का जो रंग है वो इस एंट्री मिलने से मिल जाती है। बाकी कौन जीतता है कौन नहीं, किसकी पिक्चर सिलेक्ट नहीं होती है, जूरी अपना काम करती है और जूरी जो है ना एक स्टेप से दूसरे स्टेप से दूसरे से तीसरे स्टेप पे और फाइनल नतीजे पे पहुंचती है। सब फिल्मों में मतलब किस तरह से शॉर्ट फिल्म में अच्छी है और किसको पुरस्कार देना चाहिए, किसको अवार्ड देना चाहिए, रिवार्ड किसको देना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी पहली जीत तो वही है जो आपको एंट्री मिल गई। एंट्री मिलना इतना जो है आसान नहीं है,
और मैं मैनेजमेंट और चित्र भारती शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की पूरी कमेटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर जगह पे आज हर स्टेट पे जो है शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को जो है जगह मिल रही है। आप जो है ना गुजरात में किया, बड़ी खुशी की बात है कि बाहर यहां से निकले, लेकिन मध्य प्रदेश एक सोने की चिड़िया है। उस सोने की चिड़िया ने इस टैलेंट को जो है बाहर निकाली, क्योंकि जरूरत है नए टैलेंट आने के लिए। जिस तरह से आज जो है जी सिनेमा में और स्टार टीवी में और अलग अलग चैनल के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे अपना आइडल में मतलब हिस्सा ले रहे हैं या दूसरे प्रोग्राम में रियलिटी शोज में जो है दे रहे हैं। बताइए कभी हमने इनका टैलेंट देखा था? कभी हमने वो सिंगर्स देखे थे? लेकिन वहां भी जो है ना टैलेंट को साइन करके किस तरह से उनको ग्रेप करके उनके हक अपना जताते हैं। तो मैं इस चेन को भी तोड़ना है, आप लोगों को ही तोड़ना है। जहां आपको हिस्सा मिले, आपको मिले, आप अपनी सोच को आगे बढ़ाइए। किसी के हाथ में मोहताज मत बनिए। जो भी ने जो भी पार्टिसिपेशन में उनको कहता हूं, अपनी मेहनत का काम देखा के आप काम को आगे बढ़ाइए और शॉर्ट फिल्म से बड़ी सिनेमा में आइए, अपनी सोच को आगे बढ़ाइए। बस यही मेरा जो है आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है कि अपने टैलेंट को दबाने मत दीजिए। घर घर में टैलेंट है, हर घर जगह पे टैलेंट है, लेकिन निखारने की जरूरत है। आज ये बधाई के पात्र है कि जिन्होंने आपको मौका दिया, कल दूसरों को मौका मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, लेकिन अपनी स्टेट को मौका मिलना चाहिए, ताकि बाहर वाला यहाँ नहीं आएगा तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं और दूसरों को मौका देने के लिए। तो यही मेरा अनुरोध है कि आप इस चीज को नोट करें। बाकी तो आप लोग जो है समझदार लोग हैं कि किस तरह से, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री से में बहुत से लोग हैं, उसमें सारे कलाकार भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, बहुत सारे हैं। तो इसमें से ही बहुत से डायरेक्टर निकलेंगे, बहुत से प्रोड्यूसर्स निकलेंगे। रहा संस्कृति की बात, और जिस तरह से अश्लीलता और जो वेब सीरीज में आ रही है उसमें आप ही लोग कंट्रोल कर सकते हो, उसको न देखते हुए आप कंप्लेंट्स करके लोगों को रोकिए ताकि आगे ना बढ़े वो, ताकि उनको समझ में। बहुत सारे केसेस जो है अभी बहुत सारे वेब सीरीज पे आए हैं और जिन्होंने मतलब कोर्ट के माध्यम से उनको रोकने की कोशिश की है। तो जैसे वो कचरा निकलेगा आप लोग ऊपर आओगे। तो इन कचरों को निकालने के लिए भी आपको जो है ना पहल करनी पड़ेगी, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि ऐसे ओटीटी पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीज आए। बस यही है कि जो जिसको ये फेस्टिवल में रिवार्ड और अवार्ड मिलता है वो खुश हो, बाकी वो नाराज ना हो कि हमें मतलब जो ना कुछ नहीं मिला। आपको सब कुछ मिला और सब कुछ आगे मिलेगा। कोशिश पहला कदम होता है और उसके बाद जो ना कदम बढ़ते जाते हैं, और आप भी अपनी कोशिश करते रहिए। बस इसी शॉर्ट फिल्म के माध्यम से शॉर्ट बात करके मैं अपने विचारधारा खत्म करता हूँ। धन्यवाद।